सच देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज। कार्यक्रम ये था चूड़ी बाजार नीम के बालाजी का मंदिर है, उस मंदिर की तरफ से हम सेवा वारी है। हम सेवादारियों की तरफ से 200 डिब्बे तो खाने के बांटे गए हैं, पूरी सब्जी और एक मिठाई है और उसके साथ टी शर्टें बांटी गई है। मैं सभी भामाशाह लोगों से यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन गरीबों की ओर ध्यान देवें और इनका ध्यान रखें। खाने के अंदर क्या क्या था? खाने में पूरी थी, सब्जी थी, रंगूरी पेटा था और टी शर्ट थी। और किस तरीके से मतलब लॉकडाउन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं? अब लॉकडाउन परेशान हो रहा है गरीब आदमी, इनके लिए हम करते ही रहते हैं। गए लॉकडाउन में भी हमने फरूट बांटे थे, लुआगल बांटे थे और अपने गरीब गोस्तियों में बांटे ही थे गरीब, और मालिक पे आया तो हर दम बांटते ही रहेंगे। इनके गरीब आदमियों की मदद करें, ऐसा काम करें, गरीबों की सहायता करें। और किस तरह की परेशान हो रहे इस लॉकडाउन के अंदर? इस लॉकडाउन में बेचारे कहाँ जाएंगे लोग, बाप सब भूखे बैठे हैं बेचारे, क्या करेंगे, परेशान हो रहे, परेशान हो रहे सब, इसलिए इनकी मदद करनी चाहिए। हमने ये सोचा, इसलिए हमने ये सब ये कुछ किया। आज क्या बांटा आपने? आज हमने पूरी सब्जी, एक मिठाई बांटी है और गरीबों बच्चों को टी शर्ट है। कहाँ पे बांटा आपने? हमने ये गवर्नमेंट कॉलेज और अपने गांधी भवन, रेलवे स्टेशन। दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगे? दूसरे लोगों से हमें ये अपील करना चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी ये सोचे कि हाँ गरीबों के लिए कुछ करें। खबरों का सच देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।